गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, सभी लोगों ने। तो आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पहला है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो सीरीज चल रही है उसमें आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 कैसे जो स्टेट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उस केस में लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। मतलब इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, उसमें बहुत सारे लॉज आते हैं या फिर उसके अंदर क्लॉज आते हैं। तो हम इसमें देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इन दो चीज़ों को हम देखेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे और देखेंगे सीआईसी और एसआईसी में कंपेरिजन देखेंगे। सीआईसी क्या होती है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में देखेंगे। आरटीआई एक्ट कैसे ये स्टेचुटरी बॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। पहले फ्रंट पेज के हम कुछ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बताया गया है कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है लगातार ईज हो रही है, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आपको ये चीज़ शायद पता होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है इन्फ्लेशन को, और उसे इन्फ्लेशन का टारगेट 2 से लेकर 6 तक का दिया गया कि आप 2 से लेकर 6 तक के परसेंटेज में आप इन्फ्लेशन डिसाइड करेंगे, कितनी इन्फ्लेशन होना चाहिए और कितनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके बियॉन्ड जाती है तो उस इन्फ्लेशन को बहुत हाई माना जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि 6 के बियॉन्ड क्यों जा रही है। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 जो होते हैं वो आते हैं आरबीआई से और 3 आते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उन्हें चूज़ करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ बताई गई है, जो इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है हमारे CPI देखकर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो UPSC अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो इन्फ्लेशन डिसाइड की जाती है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हुए डिसाइड की जाती है, आपका वहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। देखो, इन्फ्लेशन जो डिसाइड होती है वो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखकर। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि जो इन्फ्लेशन डिसाइड करने में मेन कंपोनेंट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, किस तरह से MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हमारी इन्फ्लेशन डिसाइड की जाती है, कितना टारगेट रखा गया है इन्फ्लेशन का, ये इंपॉर्टेंट। देखो, इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, जैसे मान लो ये मार्केट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ले रहे हैं और यहाँ पर सेब बिक रहे हैं। अब मान लो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी है, ये जो डॉट डॉट मैंने लोग बनाए, बहुत ज़्यादा मनी है, किसी के पास 10 लाख हैं, किसी के पास 10 लाख करोड़ हैं। तो ये जो एप्पल मिल रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगी। देखो, जब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में एक सेब है और इसे खरीदने वाले रामू भी है, श्यामू भी है, रहीम भी है, तो इसकी जो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड ज़्यादा है, इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है, ये जो केस मैं पहले बता रहा था, इस केस में मनी बहुत ज़्यादा, अब जब ऑब्वियस सी बात है मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो प्रोडक्ट है इसको चेज़ करने वाले लोग बहुत होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मनी बहुत कम प्रोडक्ट को चेज़ करेगी, तो इस तरह की इन्फ्लेशन होती है। एक ये हो गई डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस केस में भी क्या होती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। लोगों के पास मनी बहुत होती है, वो मनी से उसको प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इस तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगर हम मार्केट से ये पैसा निकाल दें, जो हम ये पैसा यहाँ डाल रहे हैं इसे मार्केट से, आरबीआई क्या करे कि हम आपको एक कागज़ दे रहे हैं, एक बॉन्ड दे रहे हैं, ये बॉन्ड आप खरीद लीजिए और आप अपनी मनी हमें दे दीजिए, हम इस बॉन्ड पर आपको इंटरेस्ट देंगे या इस बॉन्ड पर आपको पैसा देंगे 1 साल में 10 रुपये। तो क्या करेंगे लोग, इस बॉन्ड को खरीद लेंगे, मार्केट से मनी कम हो जाएगी। जब मार्केट से मनी कम हो जाएगी तो इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ही कम हो जाएंगे, जब कम हो जाएंगे तो इसके ऑटोमेटिकली दाम घट जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह से क्या करती है,
प्रोडक्ट को मैनेज करती है। देखो एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन के टाइप क्या होते हैं। देखो एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होती है बहुत हाइपर होती है, मतलब इन्फ्लेशन रेट 1500 ऐसे बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट होता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होती है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन में जो रेट है वो 10, 20, 30, 5 ऐसे बढ़ता है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन से ज़्यादा गैलोपिंग इन्फ्लेशन होती है। आपको याद रखना है गैलोपिंग वर्ड। अगला आर्टिकल जो है वो 9 डेड हुए हैं जो फायर लगी है हैदराबाद में। देखो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ऐसे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरव्यू के, आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर आग लगती है तो किस तरह से ब्यूरोक्रेसी उसे टैकल करती है, क्या मेजर्स लिए जाना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो क्या होता है, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में फायर अलार्म नहीं लगाए जाते हैं। फायर अलार्म लगाने का मतलब है कि स्मोक को वो डिटेक्ट करते हैं, इसमें खर्चा आता है बहुत ज़्यादा और इसका जो है सर्वे भी होता है, मतलब ऑडिट भी होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फायर अलार्म नहीं लगाते, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं, आपको यहाँ बैठ के सोचना चाहिए ये आग क्यों लगी, इसमें आप क्या कर सकते थे, अगर आप एज अ DM होते तो आपके द्वारा क्या किया जाता। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल देखा, फ्रंट पेज के आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखो क्या है, रिसेंटली क्या किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जानबूझ के कांग्रेस ने CIC के सिलेक्शन की मीटिंग को डिले कर दिया, मतलब छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो ये स्किप कर दिया, या आपको पता होना चाहिए कि CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, और इसमें जो कमेटी बनाई जाती है उसका हेड कौन होता है, और कैसे CIC को कमज़ोर बनाया गया है, कैसे कमज़ोर मतलब चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो हम ये चीज़ यहाँ देख लेते हैं। पहले सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस के बारे में। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के तहत बनाया गया। RTI एक्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन से निकला है, जिसमें हर सिटीजन को अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है, जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक इन्वॉल्व हैं, जिस कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में उसमें सिटीजन को आपको इन्फॉर्मेशन देना ही है कि आप क्या वहां पर मेजर्स ले रहे हैं, किस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिटीजन के द्वारा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे सेक्शन 12 RTI एक्ट से बनाया गया। ऐसे ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, मतलब बहुत सारे कमीशन हर स्टेट में होते हैं, ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे सेक्शन 15 से बनाया गया RTI। देखो सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये एक स्टेचुटरी बॉडी, इस पूरे में इतना इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या किया जाता है, हर ऑफिस में PIO होते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके दिल्ली में सचिवालय है और इस सचिवालय में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, किसी एक एम्प्लॉई को हम जो है PIO बना देंगे, इसके चैलेंजेस देखेंगे क्या है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा, अगर आपने इस ऑफिस में RTI लगाई, रामू ने इस ऑफिस में RTI लगाई, अब ये रामू के द्वारा RTI लगाई, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा, आपने पूछा कि सचिवालय में लोगों की नियुक्ति किस तरह से होती है, ये इंफॉर्मेशन देगा। अब ये रामू जो है अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो विद इन 30 डेज सेकेंड अपील की जाएगी। सेकेंड अपील करने के बाद अगर तब भी वहां से इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिली, उस केस में आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाओगे। देखो पहली केस में नहीं जाते, इन्होंने लिखा सेकेंड अपील में, मतलब एक बार आपको इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं दी गई, आपको नहीं बताया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, सेकेंड अपील की जाएगी। और सेकेंड अपील में क्या होता है आप जानते ही हैं, सेकेंड अपील में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे। अगर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से आप सेटिस्फाई नहीं है और स्टेट के अंदर सब्जेक्ट आता है तब आप कुछ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मगर आप सेंट्रल, यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम
सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे और वो इसमें संज्ञान लेंगे, स्यूमोटो एक्शन भी ले सकते हैं और पेनाल्टी भी लगा सकते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर, ठीक है। तो इस तरह से ये केसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई है, मॉनिटर भी किया जाता है इनके द्वारा, और जो मॉनिटर और रिपोर्टिंग होती है RTI के अंदर उसको देखा जाता है, ओवरशेडो किया जाता है। अगली बात यहाँ बताई गई है साइलेंट फीचर, देख लो। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो चीज़ देख लो। देखो कंपोजिशन क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रखता है एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर, मतलब 10 से ज्यादा, नॉट मोर देन 10 मेंबर नहीं रख सकते, ठीक है। एक हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अगली बात क्या बताई गई है, दूसरी स्टेट में भी यही होता है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट मोर देन 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 तक हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट देख लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रिलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल लेवल पर उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंस के द्वारा, और ये जो अपॉइंटमेंट है, जो मेंबर बताए जाते हैं वो एक कमेटी के द्वारा बताए जाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं PM के द्वारा। मतलब यहां पर तीन लोग होते हैं, PM हो गए चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो PM के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आपको यहाँ चीज़ साफ समझ में आ रही है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने मीटिंग जो कंटेक्स्ट है यही मीटिंग अटेंड करना डिनाय कर दिया और स्किप कर दी मीटिंग को। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन वोट हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इसकी क्या मान्यता है, कुछ मान्यता नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से ये बॉडी नाम की होती है। देखो ये PM भी आपकी गवर्निंग पार्टी से हैं और ये भी कैबिनेट मिनिस्टर भी गवर्निंग पार्टी से हैं, तो क्या हो सकता है इस केस में, कुछ हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही लोग अपॉइंट होंगे। अब स्टेट लेवल पर देख लो, स्टेट लेवल पर जो अपॉइंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और कमेटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। यार लेजिस्लेटिव काउंसिल मत समझ लेना, UPSC बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी कंफ्यूज करती है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, काउंसिल नहीं होता। और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या होती, क्या होता है, हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो पर्सन होना चाहिए, इमिनेंस होना चाहिए पब्लिक लाइफ में। इसका क्या मतलब है कि मतलब पब्लिक लाइफ का मतलब है कि आप कहीं सेक्रेटरी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, आपको लॉ और साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, इस तरह की आपकी बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए, उन्हीं लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। मेंबर मतलब पार्लियामेंट के जो MPs हैं, सांसद जिन्हें बोलते हैं, उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और MLA को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो लोग रखे हुए हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि कुछ लोग जो होते हैं एक कंपनी भी स्टेबलाइज किए हुए हैं अपने नाम से बहुत अच्छी, और दूसरी बात क्या है वो गवर्नमेंट में भी कहीं अधिकारी हैं, और तीसरी बात क्या है वो RTI के अंदर भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इस तरह से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया कि आप RTI के थ्रू क्या करना चाहते हैं, अपने ऑफिस को प्रॉफिट पहुँचाना चाहते हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे ही नहीं जो पब्लिक को चाहिए होगी, ठीक है। ठीक है, एनी पॉलिटिकल पार्टी कैरी बिजनेस, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस कैरी कर रही है उसको भी नहीं अपॉइंट किया जा सकता। टेन्योर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है RTI का, क्या है, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या किया, टेन्योर जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, मतलब 65 ईयर तक उसका टेन्योर होगा, और अगर 65 ईयर अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं बंदे के तो उसको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी टेन्योर। पहले क्या था, ये टेन्योर फिक्स था, तो फिक्स होने में क्या होता था, उनके अंदर ऑटोनॉमी रहती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते थे। अब कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी को निकाल सकती है इन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, इन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इन द बेसिस ऑफ एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ये सब, ठीक है। अब रीअपॉइंटमेंट, देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रीअपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते। इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर अगर अभी तक सीट उनकी वैकेट नहीं हुई है, 65 ईयर नहीं हुए हैं, तो उन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है, ठीक है। और
ये क्या लिखा आगे, फर्दर हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर इन एग्रीगेट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मतलब उनके अभी भी 5 साल नहीं हुए हैं एज अ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उस केस में आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यही केस स्टेट में है। देखो स्टेट में क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अगर सीट अपनी वैकेट करते हैं, उनके टेन्योर पूरा हो गया है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकते। अब मान लो किसी के 65 इयर्स हो गए, वो अपॉइंट नहीं हो। अभी मान लो उसके 64 ईयर हुए हैं मगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हुए उसे 64 ईयर में निकाल दिया गया, तो वो सेंटर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको 1 साल बाकी है और आपने अभी हेड की पोस्ट नहीं पाई है, ये हेड की पोस्ट अभी खाली है, मतलब आपको इसके चांसेस हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। रिमूवेबल कैसा होता है, देखो अक्सर आप देखते होंगे कि जो रिमूव किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बहुत सारी स्टेचुटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, मगर इस केस में क्या किया जाता है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं और गवर्नर के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिमूव करने की सर्कमस्टांसेस क्या है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, मतलब कोई दिवालिया घोषित हो जाए, जिसने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है या फिर बहुत क्राइसिस आ गया है उसकी लाइफ में, इस तरह के, ठीक है। मोरल टर्पिट्यूड, उन्हें ऐसा ऑफेंस कर दिया जो इथिकली रॉन्ग है, ठीक है, उस केस में आपको निकाला जा सकता है। आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला केस आ गया, ड्यूटी से हटकर कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं प्राइवेट फर्म में, उस केस में आप अनफिट इन्फर्मिटी माइंड, मतलब माइंड में आपके प्रॉब्लम है, आप पागल हो गए, मे बी आप इस जॉब के लायक नहीं हो, उस केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, देखो ये ऐसा वर्ड है जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, कभी भी प्रेसिडेंट निकालना होगा तो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का बहाना देकर निकाला जा सकता है, ये लूप होल कहते हैं इसे, ये चैलेंजेस में आता है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी किस बेसिस पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया गया कि अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का केसेस आते हैं तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी, सीआईसी से रिलेटेड और एसआई से रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसमें देखेगा कि आप इसे रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो इंक्वायरी में पाता है कि रिमूव कर दो, तो यहाँ पर मे वर्ड हुआ है, मे सस्पेंड, मतलब सेल नहीं वर्ड यूज़ हुआ, कि अगर चाहे प्रेसिडेंट तब भी इंक्वायरी के बाद चाहे तब भी रिमूव कर सकता है और अगर नहीं चाहे तो भी नहीं रिमूव कर सकता। अगर सेल वर्ड यूज़ हुआ होता तो इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद रिमूव करना ही करना होता। अब सैलरी और अलायंसेस, अब अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, सैलरी और अलायंसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी सैलरी अलायंसेस और अदर्स चीज़ें डिसाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग बाइस होकर बात करेंगे, क्योंकि बायसनेस आई जाएगी, भाई सैलरी मेरी मेरे पापा डिसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी अपने पापा के फेवर में बोल दूं, इथिकल कंडक्ट ना कर पाऊं, तो इस तरह से इसे चैलेंजेस में लिया जाता है, ये सब चैलेंजेस में आती है, ठीक है। अब इनका ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ज्यूरिडिक्शन सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी पर होता है, ऑब्वियस सी बात है, और स्टेट पब्लिक स्टेट एसआईसी का स्टेट पब्लिक अथॉरिटी पर होता है। अब क्या हुआ, देखो कुछ इन्होंने वही बात बताई है कि सेक्शन के अंदर क्या दिया है कि ये कंप्लेन को मेंटेनेंस रखते हैं, सेकंड अपील को देखते हैं, अगर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन के द्वारा सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, देखो आप सेक्शन याद मत रखना, आपको इतना पता होना चाहिए कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए गए हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन सही नहीं दी जा रही है या फिर इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा रहा, उस केस में आप पर सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आप पर वो पेनल्टी लगा सकता है, ये स्यू मोटो पेनल्टी है, ठीक है। एक्सेस टू ऑल पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब इसमें क्या आपको एक्सेस मिलना चाहिए, स्यू मोटो पावर, स्यू मोटो पावर क्या है कि आप सिविल कोर्ट की पावर है, देखो एसआईसी और सीआईसी के पास सिविल कोर्ट की पावर, सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है,
आपको सम्मन किया जा सकता है। सम्मन किया करने का मतलब होता है आपको बुलाया जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा नहीं दी गई किसी गवर्नमेंट की सॉवरनिटी और सिक्योरिटी से छोड़कर, हमारी सॉवरनिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक छोड़ दो, उसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो उस केस में आप पर क्या होगा, स्यूमोटो पावर होती है SIC के, CIC के पास और SIC के पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, कभी कभी UPSC ऐसे पूछता है कि CIC और SIC के पास कोई भी स्यूमोटो पावर नहीं होती है क्योंकि इसे अभी 2019 में अमेंड कर दिया गया, नहीं, गलत हो जाएगा। आपके पास स्यूमोटो पावर होती है, यहाँ तक कि आप कॉम्प्लाइंसेस को सिक्योर करने के लिए अब पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिपोर्ट कहाँ सबमिट करते हैं, अक्सर UPSC ऐसे ऑप्शन डालता है CIC के द्वारा एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है डायरेक्ट, नहीं, पार्लियामेंट में सबमिट नहीं की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट की जाती है और SIC जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करता है। 2019 में क्या हुआ, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि टर्म्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेल्फ प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म डिसाइड करेगी, चैलेंजेस आई, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी का टर्म डिसाइड करेगी तो उसकी ऑटोनॉमी जाती रहेगी, ठीक है, और इनकी जो क्या कहते हैं टर्म, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सेल्फ प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है मैंने, जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं क्योंकि वो भी RTI एक्ट से आ रहे हैं 2005 के RTI, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका टर्म्स प्रिस्क्राइब करेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये ज़रूर पूछेगी UPSC, ऊपर वाला ना पूछे मगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा। सैलरी और अलायंसेस हम लोग पहले ही देख चुके कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सैलरी और अलायंसेस देखती है, ठीक है। अब चैलेंजेस देख लेते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैसे आ जाएगी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो एडिक्वेट ट्रांसपेरेंट नहीं है, कि आपको बताया नहीं जाता कि कौन सा मेंबर ब्यूरोक्रेट्स को हम क्यों ले रहे हैं, क्यों हम ले रहे हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी बंदे को हम क्यों दोबारा से अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी है ये चीज़, यहाँ एग्जाम्पल देखकर कि कैसे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा अपॉइंट किए जाते हैं, क्यों आप ब्यूरोक्रेट्स पर इतना भरोसा रखते हैं, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। पुअर रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो इन इफेक्टिव रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड मैनेज किया जाता बहुत इन इफेक्टिवली किया जाता, कोई भी डिले कर दिया जाता है प्रोसेस में, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये सब चीज़ें होती हैं। नॉन फिलिंग वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं SIC और CIC में, अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए, देखो केसेस कितने डिले हुए रखे हैं। लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है क्योंकि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग का अभाव है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग में आप ट्रेनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। डिले इन डिस्पोजेबल अपील्स एंड कंप्लायंसेज, मतलब जो आप अपील लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसमें आप डिले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ये चीज़ यहाँ बताई गई, एग्जाम्पल भी दिए गए। पुअर क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया नहीं था कि आपको जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है वो कम दे दी गई, मतलब आपको देना चाहिए कि बताना चाहिए कि हम ये क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता सकें कि ऐसा क्यों है, ठीक है, तो पुअर क्वालिटी होती है। लो पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस का अभाव होता है, ठीक है। तो RTI जो एक्ट है उसके अंदर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हमने A to Z जाना। अगर आपको कोई भी अभी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमारे नाम को सर्च कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें बताइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, अगला आर्टिकल है हमारा सेल 16 अपोस्टिफोलिया डेस फोंटानिया। ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसे मैंने यूं नोट किया है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था। देखो ऐसा होता है, ये एक जो है स्पीसीज है, श्रब और हर्ब में आप डिफरेंस देखना, श्रब जो होता है हर्ब से थोड़ा लार्जर होता है, श्रब हर्ब में क्या होता है तने वगैरह नहीं निकले होते हैं, जैसे ये तने हैं यहाँ पर, ये श्रब में होते हैं और इसमें हेयर वगैरह नहीं है, इन्होंने यहाँ बताया। तो सेल 16 अपोस्टिफोलिया डेस फोंटानिया ये एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है गुजरात के कच्छ रीजन में।
ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है जो किसी ने नहीं पढ़े होते हैं। अक्सर हम इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक पेरिनियल श्रब है। देखो पेरिनियल श्रब क्या होता है, जो बारहमासी होती है, मतलब हर सीजन में आपको मिल जाएगी, इसे पेरिनियल श्रब बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रो होती है सैलाइन रीजन में, एरिड में और सेमी एरिड में। आप जानते हैं गुजरात के कच्छ रीजन कितना सैलाइन है, कितना नमक पाया जाता है। तो इसको जो रीजन है इसका खादर बेट और बेला रीजन है, ठीक है। ये जो है बुडी प्लांट है और अदर स्पेसीज से थोड़ा डिफरेंस है, और इसमें हेयर नहीं होते हैं। यही चीज यहां बताई गई है सेल्सोला जीनस के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात के किस रीजन में मिला। अगला आर्टिकल जो है हमारा ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसने एक रिलीज की है रिपोर्ट, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे हम डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे जो लोग हैं उनकी लाइफ को रेजिलिएंट बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो डिजास्टर प्रोन हो। मतलब मान लो जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा, तो जापान के आप घर देखोगे तो वो ऐसे हैं जो डिजास्टर प्रोन है, मतलब डिजास्टर भूकंप भी आ जाता है तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, बताया है जो डिजास्टर है वो पिछले 50 सालों में 5-fold बढ़ गया है। ये 50 सालों में 5-fold बढ़ने का एक रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, जो वेदर चेंज हो रहा है, जो हम एसीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस को हमें कम करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना चाहिए। देखो एबिलिटी ऑफ सिस्टम कम्युनिटीज हजार्ड को रेजिस्ट कर पाए और एक्सपोज कर पाए। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो स्टेबलाइज की गई थी, ये 1999 में स्टेबलाइज की गई, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, देखो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया था। ये सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आने का वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था कि इसको लाने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड गाइडलाइन लाई गई थी कि किस एरिया में डिज़ास्टर ज़्यादा आता है और किस एरियाज़ में डिज़ास्टर कम आता है। तो जिन एरियाज़ में डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा आता है तो उस एरिया को डिज़ास्टर प्रोन से बचाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क आए थे। फ्रेमवर्क का मतलब है रूल्स और रेगुलेशन आए थे। तो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है आपको याद रखना है 2050 से लेकर 2030 तक है, जिसे यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कस्टोडियन है, मतलब उसको देख रेख करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, आपको पता होना चाहिए ग्लोबल जो ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये लाई जाती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा। अब हम पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसकी दिशा में हम अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 तक हम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। देखो आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कोई भी स्टेट के द्वारा लॉ लाया जाता है या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था 1947 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के टाइम पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उसके बाद में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज लाए गए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्री मतलब क्लॉज वन में, आर्टिकल 13 के क्लॉज वन में बात होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में कमेंस हुआ था उससे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे। तो ये लॉज जो है नल एंड वॉइड करार दे दिए जाएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट से उल्लंघन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक आर्टिकल से समझ लीजिए, देखो 1930 में एक एक्ट आया एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्लॉज थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज था कि एक कास्ट के पर्सन को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, अनटचेबिलिटी आप प्रिवेल नहीं कर सकते, तो ये जो क्लॉज है इसको रिमूव कर दिया गया।
तो इस तरह से ये हमारा आर्टिकल 13 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बताता है। अगली बात क्या बताई गई है, अगली बात आप देख लो, यहाँ पर दो डॉक्ट्रीन की बात होती है। देखो, एक होती है डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रीन आपको लिख देता हूँ आपको कोई दिक्कत ना हो, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, और एक होती है डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स। थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है कि कोई भी लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, मान लो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, तो उसको छन्नी की तरह छान दिया जाएगा। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। मान लो ये कोई लॉ है, अब उस लॉ में बहुत सारे सेक्शन हैं, तो जो सेक्शन उस छन्नी से निकल जाएंगे वो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और ये हमारे जो है राइट्स के सपोर्ट में है, तो इसको हम रख लेंगे। बाकी जो क्लॉज हैं जो छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। क्या बताया गया है, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था, AK गोपालन केस, स्टेट ऑफ बसेस, स्टेट ऑफ मद्रास बहुत फेमस है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या कहा गया था, देखो आप यहाँ फिर से समझ लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया AK गोपालन केस में, बसेस स्टेट ऑफ मद्रास, आपको AK गोपालन केस याद रखना है, AK गोपालन केस। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में एक क्लॉज क्या था, उस क्लॉज में बताया गया था कि आपका जो मतलब प्रिवेंट, आपको डिटेंट किया गया है, आपको डिटेंशन रखा गया है, उसको आप कोर्ट में नहीं बता सकते। ये केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोर्ट में आकर हमें बताइए कि आपको डिटेंट क्यों किया गया। किसी को भी डिटेन करने के लिए आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये क्लॉज फंडामेंटल राइट से छन नहीं पाया, ऊपर रह गया, और इस केस में क्या हुआ कि हमारे इस क्लॉज को इनएक्टिव कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन काम करती है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या करता है, हाइड कर लेता है। हाइड क्या कर लेता है, देखो क्या हुआ था, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लो कि कुछ केसेस जो होते हैं, कुछ लॉज जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, मान लो एक केसेस था मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जब 1947 के बाद मोटर ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट ने मोनोपलाइज कर दिया था, मोनोपलाइज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप मोटर से रिलेटेड सारा बिजनेस जो है, आप जो सारा बिजनेस है उसको मोनोपलाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं ला सकते, आपको जो है उसको सबके लिए खोलना होगा। तो इस केस में क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब क्या हुआ कि इस केस में क्या हुआ कि उनको जो है पावर ख़त्म कर दी गई, इनवैलिड करार दे दिया गया, ठीक है। अब इस लॉ को इनवैलिड करार देने के पीछे क्या रीज़न था, ये रीज़न था कि आप इसको फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है और ये इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट में आ गया, ठीक है। इक्लिप्स के कॉन्सेप्ट में आने का मतलब होता है इसके कुछ देर के लिए इसके ऊपर शेडो बना दी गई है, मतलब ये लॉ इनएक्टिव हो गया, मगर इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस बिजनेस को क्या कर सकती है, मोनोपलाइज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट लाकर किसी भी बिजनेस का सरकारीकरण कर सकती है, मतलब इसको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है और मोनोपलाइज किया। तो कुछ देर के लिए वो इनवैलिड करार दिए गए थे, शैडो कर दिए गए थे, तो इस चीज़ को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। ये दो डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सेवरेबिलिटी में आपको बताया कि किस तरह से हम क्लॉज को छान लेते हैं, जो क्लॉज छन के चले जाते हैं उनको हम बोल देते हैं ये फंडामेंटल राइट के सपोर्ट में है, और जो क्लॉज छन नहीं पाते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में बोलते हैं। ये हमने AK गोपालन केस देखा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से रिलेटेड था। कैसे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कहा गया कि आपको जो डिटेंशन रखा गया है इसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार दिया और इस क्लॉज को रिमूव कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का देखा हमने कि मोटर व्हीकल एक्ट में कैसे गवर्नमेंट ने मोनोपलाइज कर दिया था बिजनेस ने को, तो गवर्नमेंट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप
किसी भी चीज़ को मोनोपलाइज नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और दोबारा से अगर किसी भी बिजनेस को वो मतलब इस मोनोपलाइज कर देता है तो जो शैडो हुआ था मतलब इनवैलिड करार दे दिया गया था, जिसे इक्लिप्स कर दिया था, छुपा दिया गया था, अब वो दोबारा से निकल कर आ सकता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो क्लॉज देखे, क्लॉज वन प्री कॉन्स्टिट्यूशन का और क्लॉज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आर्टिकल 13 लगाया जाता है और आर्टिकल 13 की बात होती है। तो ये हमने आर्टिकल की सीरीज में आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस किया, कैसे प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 13 स्टेट को फंडामेंटल राइट वायलेट करने से, और किस तरह से किसी भी डॉक्ट्रिन का यूज़ होता है। देखो ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मेंस में पूछी जाती है, प्रीलिम्स में आजकल वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो मेंस में पूछी जा रही हैं। तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।